बना रहे हैं, मतलब मूर्ति ओके हो गया, बस जो है थोड़ा बहुत जो वर्क है वो राधे भैया कर रहे हैं बैकग्राउंड, और सामने है लक्ष्मी जी की, जिस मूर्ति की बात करता है यूनिक मूर्ति की, वो ये मूर्ति है भाई, देखो काफ़ी लाजवाब। हे गाइस नमस्कार, जय श्री राम, होपफुली काफ़ी अच्छे होगे। और आज धनतेरस पर्व है, आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों अभी मैं हूँ थनोद गांव में, और थनोद गांव में मूर्ति का गढ़ कहा जाता है। वैसे तो आपको पता ही होगा यहाँ की जो इस बार की काफ़ी यूनिक यूनिक जो है मूर्ति बनी थी नवरात्रि पर्व में और गणेश चतुर्थी में। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ यहाँ पर थनोद गांव में, इसलिए आपको लक्ष्मी मूर्ति, लक्ष्मी माता जी की मूर्ति दिखाने आया हूँ। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स लक्ष्मी पूजा काफ़ी धूमधाम से होता है, और यहाँ पर गांव में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है लक्ष्मी पूजा। ऐसे हमें शहरों में क्या गणेश पूजा दुर्गा पूजा का ज़्यादा क्रेज़ रहता है, बट गाँव में ना यहाँ लक्ष्मी पूजा और जो मातर उतर होता है तो यहाँ पर जो होता है धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब बोल सकते हो छत्तीसगढ़ का ये जो है बिगेस्ट फेस्टिवल है। तो लगभग अभी मैं हूँ मूर्ति, अभी मैं आया हूँ आपको थनोद गांव में मूर्तिकार प्रेम भैया जी के पास। और लगभग यहाँ पर जो है ना गांव में जो धनतेरस के समय जो मूर्ति, मतलब कुछ कुछ, मतलब कुछ कुछ समिति वाले जो फिर गांव वाले होते हैं, वैसे तो लक्ष्मी माता जैसे दिवाली के दिन पूजा होता है, बट यहाँ पर क्या रहता है कुछ कुछ लोग धनतेरस में मूर्ति लेने आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मूर्तिकार प्रेम भैया जी का वर्कशॉप। और ना यहाँ पर जो दो तीन मूर्ति है वो आज ही सुबह सुबह गए हैं। तो चलो अभी जितने भी मूर्ति है यहाँ पर बने हैं भैया जी के पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर दो तीन मूर्ति तो यहाँ चले गई है, अभी भी जो है सिंगार का काम वो चल रहा है। वहाँ पर एक मूर्ति को ढक दिया गया, वो छोटू मूर्ति है क्या बोला राधा कृष्ण, क्या सीमेंट वाला है? तो राधा कृष्ण मूर्ति है और सीमेंट वाला है। और यहाँ पर जो है छोटी छोटी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी है, जो कि अभी भी कलर का काम चल रहा है इधर। और यहाँ पर जो है पांच मूर्ति बनी है लक्ष्मी जी की। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो माता रानी जो है झूला झूल रहे हैं लक्ष्मी माता जी, जो कि अभी इसमें भी थोड़ा बहुत जो है कलर का काम हो चुका है, और जो श्रृंगार का काम है वो चल रहा है। और यहाँ पर एक और जो है झूला में जो है झूला झूल रहे, सेम टू सेम जो ये मूर्ति है वो ओके हो गए, सिंगार हो गए, जैसे सेम टू सेम देखो ये मूर्ति जो झूला झूल रहे हैं वहाँ पर भी माता जी झूला झूल रहे हैं, जो कि उसमें सिंगार का काम बचा हुआ है और ये हो गए ओके। यहाँ पर देखो जो हाथी है, हाथी में माँ लक्ष्मी जी खड़े हैं, और ये मूर्ति का भी जो है सिंगार हो गया। तो ये मूर्ति लगभग आज जो है आज से मतलब ये मूर्ति जाना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी तो यहाँ जो है सिंगार का काम यहाँ भी चल ही रहा है, आंटी लोग कर रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, फोटो से देख के जो है ना सेम टू सेम बन रहे हैं। यहाँ पर जो है राधा जी और कृष्ण जी हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है, जो है सिंगार यहाँ पर जो है सिंगार कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, तो अभी मैं थनोद गांव की बस्ती में आ गया हूँ और यहाँ पर अभी मूर्तिकार का नाम विजय कुंभकार जी के पास आ गया हूँ। और लगभग यहाँ पर जैसे ना गांव में मतलब पिछले साल भी बनाया था, तो कुछ कुछ मूर्तिकार ही बनाते हैं, जैसे कि मिलन भैया, ये भैया पीछे में मेरे बगल में है चिंताराम, तो कुछ सभी मूर्तिकार के पास एक मूर्ति दो मूर्ति बन रही है। तो अभी मैं आपको ना विजय भैया जी के पास आ गया हूँ। विजय भैया के पास यहाँ पर लगभग जो कलर का काम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर भी दो तीन मूर्ति जो है बन रही है, और बाकी जो यहाँ छोटे छोटे जो है गौरव गौरी जी की मूर्ति बन रही है। देखोगे तो इधर का भी जो कलर का काम है वो आज नाइट से स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी यहाँ जो मूर्ति है कल जाना स्टार्ट होंगी। तो ये है गौरव गौरी। फ्रेंड्स, अभी मैं 20 बस्ती में आ गया हूँ थनोद के, और यहाँ पर जो है सभी मतलब जो समिति वाले लोग हैं वो आए हैं गाड़ी लेके और अपनी जो है माता जी को लेने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे पीछे देखोगे तो वहाँ पर भी एक तो ट्रैक्टर आ गया, जस्ट बगल में तो ब्लोरो है, तो वहाँ पर भी सभी छोटे छोटे जितने भी मूर्तिकार हैं सभी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से लेंगे। बाकी यहाँ पर देखे एक और समिति आई है लेने के लिए, और जस्ट माता जी को लेने यहाँ गाड़ी में चढ़ा दिया गया है। और पीछे में भी जस्ट वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की जस्ट बगल में गाड़ी है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बोला था कि धनतेरस में जो लगभग यहाँ की 80% मूर्ति चले जाती है, तो चलो अभी यह है राधे भैया जी के पास देख लेते हैं। राधे भैया जी के पास मूर्ति बनी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मूर्तिकार मोस्ट थनोद के पॉपुलर बोल सकते हो मोस्ट पॉपुलर मूर्तिकार के पास आ गया हूँ, मूर्तिकार राधे भैया जी के पास। और लगभग राधे भैया इस बार जो है 2 से 3 मूर्ति बनाए थे, और जो दो मूर्ति है वो चले गए हैं, और एक मूर्ति अभी बचे हुए जो कि वो भी गाड़ी आ गई और लेने के लिए। और जो बच्चे हमारे लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, क्या नाम है भाई आपका, बना रहे हैं मतलब मूर्ति ओके हो गए, बस जो है थोड़ा बहुत जो वर्क है वो राधे भैया कर रहे हैं। मूर्ति काफ़ी मूर्ति लग रही है, जो पीछे बैकग्राउंड है बालाजी का वो बनाया गया, और सामने बालाजी विष्णु जी का है, ये लग रहे प्यारे। फ्रेंड्स, अभी मैं काफ़ी प्यारी और यूनिक मूर्ति मैं देखा हूँ और आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ। जस्ट मूर्तिकार का तो नाम पता ही नहीं है, तो लिखा भी नहीं है, तो जस्ट मैं बात करूँ एड्रेस की, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये राधे जी का वर्कशॉप है। जस्ट स्टेट पे देखोगे तो यहाँ पर है मूर्ति बनी, और काफ़ी यूनिक है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई लाजवाब मूर्ति बनी है, और यहाँ पर समिति वाले भी आए हैं माता जी को लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है सब मूर्ति देख रहे हैं, वही जिस मूर्ति की बात करता है यूनिक मूर्ति की, वो ये मूर्ति है भाई। देखो काफ़ी लाजवाब दिख रहा है यार मूर्ति वाला, और ऊपर में जो है सभी माता जो है कलश पकड़े हुए, गौरव गौरी मतलब गौरव गौरी की थीम पे जो है माता जी का शायद मेरे ख्याल से मूर्ति बने। तो फ्रेंड्स, अभी थनोद गांव के बीच बस्ती में मूर्तिकार संतोष कुंभकार जी के पास आ गया हूँ। सॉरी, मूर्तिकार संतोष कुंभकार। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो छोटे छोटे अभी है गौरव गौरी जी की मूर्ति बनाई जा रही है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे जो मूर्ति बनी है। तो लगभग अभी जो छोटे छोटे जितने भी मूर्तिकार हैं सभी मतलब उन्हीं लोग जो है ज़्यादा मूर्ति बनाए हुए। वहाँ पर देखो काली माता जी की मूर्ति बनी, वहाँ पर भी लेके चलूँगा। उससे पहले यहाँ पर जो है संतोष मूर्तिकार जी के पास दिखा देता हूँ कितनी मूर्ति भी बनी हुई यहाँ पर जो है। यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट सभी मूर्ति जो है कलर हो चुके हैं, और यहाँ पर जो धमतरी की जो माता रानी थी, माता रानी जो बैठी थी ना इस साल, तो देखो यहाँ पर जो समिति वाले आए हैं लेने के लिए माता जी को।
यहाँ पर भी जो है कलर काम हो चुके हैं, श्रृंगार का काम जो अभी भी चल ही रहा है। लगभग आज यहाँ की मूर्ति सभी 80% मूर्ति चले जाएंगे। तो फ्रेंड जैसे बस्ती के आप सीधे में आते रहोगे ना, मैं जैसे आप पिछले वाले वीडियो में पिछले क्लिप में देखे थे संतोष जी के पास आया था, संतोष जी के बजस थोड़ी दो तीन घर छोड़ के यहाँ पर भाई लाजवाब मूर्ति बनी है, और यहाँ पर जो है काली माता जी की मूर्ति बनी है, और ये मूर्ति जो है कल जाएंगे, तो इसमें भी जो है काम चल रहा है। बाकी अंदर लेके चलता हूँ, जो जितने भी मूर्ति अभी बने हैं मैं दिखाता हूँ, और भाई लाजवाब मूर्ति है सभी की सभी यहाँ पर। यहाँ पर जो है अंकल जी है, छोटी छोटी लक्ष्मी माता जी में वर्क कर रहे हैं, और साथ में है जो गौरव गौरी की जो गौरव गौरी मूर्ति है उसमें भी वर्क चल ही रहा है।